हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लूप के बारे में देखा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए लूप के रिलेटेड आज कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। अगर आपने हमारा लूप्स इन जावा का वीडियो नहीं देखा है तो बेसिक जानकारी के लिए उसे जरूर देख लेना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आज हम जो प्रोग्राम देखने वाले हैं उसमें पहला है पैलिंड्रोम और दूसरा है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज पैलिंड्रोम। से पहले तो ये समझते हैं कि पैलिंड्रोम होता क्या है। अगर हमने नंबर एंटर किया 121 और इस नंबर को अगर हम रिवर्स करते हैं तो वो भी होता है 121, ऐसा नंबर होगा पैलिंड्रोम। लास्ट वीडियो में हमने नंबर रिवर्स के लिए प्रोग्राम देखा था। इस प्रोग्राम में हम हर डिजिट को लास्ट टू फर्स्ट सेपरेट करके डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर से कंपेयर भी करना है, इसलिए हमें इस रिवर्स नंबर को स्टोर करना होगा। अब इसे स्टोर करने के लिए हम अलग अलग लॉजिक यूज कर सकते हैं। हमारा पहला लॉजिक होगा जिसमें हम स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उसका इनिशियल वैल्यू होगा एम्प्टी। अब हम हर लास्ट टू फर्स्ट डिजिट को इस स्ट्रिंग वेरिएबल में अपेंड करते जाएंगे। यहाँ अगर हम नंबर को असाइन कर रहे हैं नंबर डिवाइड बाय 10, तो जो लास्ट रिमाइंडर है वो नंबर से रिमूव होके नंबर का वैल्यू चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा नंबर है 123 तो लास्ट डिजिट यानी 3 इस स्ट्रिंग वैल्यू में अपेंड होगा, यानी कि अब रिवर्स का वैल्यू हो जाता है 3। फिर नेक्स्ट आइटरेशन स्टेप में इस 3 वैल्यू में 2 अपेंड होता है, यानी उसका वैल्यू हो जाता है 32। अब फिर थर्ड रिमाइंडर ऐड होगा जो है 1, यानी कि अब रिवर्स का नंबर हो जाता है 321। क्योंकि हमें जिस ओरिजिनल वैल्यू से इस रिवर्स को कंपेयर करना है वो इंटीजर टाइप है, इसलिए इस स्ट्रिंग वेरिएबल को भी हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। अब कंपेयर करने के बाद इसका रिजल्ट भी डिस्प्ले करना है, यानी कि अगर रिवर्स इक्वल ओरिजिनल है तो रिजल्ट होगा पैलिंड्रोम, अदरवाइज हम डिस्प्ले करेंगे नॉट पैलिंड्रोम। नेक्स्ट लॉजिक के लिए हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल की जगह हम यूज करेंगे इन डेटा टाइप, जिसका इनिशियल वैल्यू होगा 0, और इसमें वैल्यू स्टोर करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा रिवर्स इक्वल रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल, अगर नंबर है 121 तो रिवर्स इनटू 10 होगा 0 प्लस 1, यानी कि होगा 1। अब नेक्स्ट आइटरेशन स्टेप से 1 into 10, क्योंकि अब रिवर्स है 1 प्लस रिमाइंडर यानी हो जाता है 2, यानी 2 अब होगा 12। नेक्स्ट स्टेप में 12 into 10 प्लस 1 यानी रिवर्स होता है 121। अब क्योंकि ये रिवर्स का डेटा टाइप भी इंट है, इसलिए हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आउटपुट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर यानी ऐसा नंबर जो इक्वल होता है उसके हर डिजिट के nth पावर के टोटल से। हाँ, n मतलब इस नंबर में जितने डिजिट्स है। अब रिवर्स नंबर की तरह इस प्रोग्राम में भी हमें हर डिजिट देखना है और उसे रेस टू द पावर ऑफ n करना है। अब यहाँ n है नंबर ऑफ डिजिट्स इन एंटर्ड नंबर, तो पावर ऑफ n का वैल्यू क्या होगा और उसे किस तरह से कैलकुलेट करना होगा, इसके लिए हमने यहाँ जो व्हाइल लूप यूज किया है वही यूज करेंगे। अब इस लूप में n को काउंट करना है तो इनिशियली n का वैल्यू होना चाहिए 0। यहाँ पे जब भी रिमाइंडर मिलेगा हम n को इंक्रीमेंट करेंगे। अब इस लूप के वजह से हमारा नंबर का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए नेक्स्ट लूप के पहले उसे ओरिजिनल वैल्यू असाइन करना होगा, और टोटल कैलकुलेशन के लिए टोटल वेरिएबल का भी इनिशियल वैल्यू 0 करना होगा। अब जिस तरह हमने पैलिंड्रोम के प्रोग्राम में रिमाइंडर को ऐड किया था, उसी तरह इस प्रोग्राम में हमें रिमाइंडर के nth पावर का वैल्यू ऐड करना होगा। इसके लिए
हम यूज करेंगे math.pow यानी पावर का फंक्शन। math.pow फंक्शन हमें डबल डेटा टाइप का वैल्यू देता है, इसलिए हमें उसे करना होगा टाइपकास्ट। अगर आपको टाइपकास्ट के बारे में पता करना है तो हमने कन्वर्जन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब व्हाइल लूप में टोटल कैलकुलेशन के बाद पैलिंड्रोम की तरह ही हमें टोटल को ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करना है। इसके लिए हमने लिखा इफ कंडीशन। तो चलिए आउटपुट देखते हैं। n का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें लूप लिखना ही जरूरी नहीं है, स्ट्रिंग क्लास का लेंथ मेथड यूज करके भी हम ये कर सकते हैं। तो ओरिजिनल नंबर को स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड से स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करना है और फिर हम यूज करेंगे उसका लेंथ मेथड। तो आउटपुट देखते हैं। जावा में n को कैलकुलेट करने के लिए और एक मेथड है जो है log 10 का मेथड, जिसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमें नंबर का लेंथ मिलेगा। आउटपुट देख लेते हैं। के साथ आज का सेशन एंड करते हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक भी कीजिए।